तो कल का जैसे आप लोगों ने वीडियो देखा था, आप लोगों को पता होगा मेरे मायके में गया भोज है। तो कल मैंने वीडियो भी डाली थी, इससे पहले भी वीडियो डाली थी, और आज का जो वीडियो है वो है अब यहाँ से गया भोज जो है, भोज जो है भंडारा वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पूर्वजों की और जो काफ़ी कौओं की, गाय की, सबकी जो पूरी पूरी प्लेट्स होती हैं वो निकाली जाती हैं, पूरा खाना निकाला जाता है, तो वो निकाला जा रहा है। और यहाँ पर खाना बन रहा था तो मैंने देखा तो चाचा यहाँ पर सारा जो जो भी प्लेट्स होती हैं, सब कुछ जितना भी कुछ बना होता है ना, सारी चीज़ें रखी जाती हैं प्लेट में, जो भी चीज़ें बनी होती हैं, मतलब ए टू जेड जितना सामान बना होता है सारा रखा जाता है। तो बस उसी को रख के बस भोग लगाने, और भोग लगाने के बाद जो भी प्रार्थना वगैरह करनी होती है वो सब करेंगे, और उसके बाद ये खाना सारा उठा के साइड में रख देंगे। बाद में इसको रखवा दिया जाता है गाय को, कुत्ते को, जिसके जिसके लिए भी पूर्वजों के लिए सबके नाम का निकाला जाता है, तो वो सब करके साइड में रख दिया जाएगा। उसके बाद फिर कन्या जो है वो सबसे पहले कन्या खाएंगी। तो कन्या खाने के बाद फिर घर के जो भी मान होते हैं, मान का मीन्स होता है बेटी दामाद होते हैं या भांजा भांजी होते हैं, तो इसके बाद वो लोग सभी लोग खाना खाते हैं। तो अभी ये भोग निकल गया है, भोग के बाद कन्या खाएंगी और उसके बाद फिर हम सब लोग खाएंगे। तो जो भी कन्या थी, घर की कन्या हो गई और बाहर से भी बुलाई जाती हैं कन्या, तो वो सारी ही कन्या एक साथ बिठा दी गई हैं। तो सभी लोग, भैया लोग सब मिलके कन्याओं को जो प्लेट वगैरह है वो सब लगा रहे हैं, और पूरे परिवार के लोग हाथ लगा देते हैं कन्याओं को खाना देने के लिए। कोई सब्जी दे रहा है, कोई सैलेड दे रहा है, कोई पापड़ दे रहा है, कोई पूरी कचौड़ी, मतलब हर दे रहा, रायता वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं सब लोग, परिवार के लोग थोड़ा थोड़ा सा हाथ लगा देते हैं कन्याओं के लिए, कि सब लोगों को उसी तरह से पूरा फल मिले कन्याओं का। तो बहुएं हों या बेटियां हों, सभी लोग यहाँ पर कन्याएं खिलाएंगे। तो सभी जितनी भी कन्या थी, अभी फ़िलहाल जितनी भी कन्या यहाँ पर थी वो सारी ही बैठ गई हैं। अभी अलग और भी कन्या बाद तक जो आती जाएंगी वो भी खाती जाएंगी। तो इसी तरह से हमारे यहाँ होता है। तो बस यहाँ पर जो भंडारा है, भंडारे की शुरुआत हो चुकी है, कन्याओं से हुई है, तो भंडारे की शुरुआत हो चुकी है। और आगे जो भी होगा सब कुछ दिखाऊंगी प्रॉपर पूरा वीडियो, और होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। कोशिश मैंने पूरी करी है, प्रॉपर तरीके से कोशिश करी कि मैं सब कुछ कैप्चर करूँ। तो मैं बस यही आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फर्स्ट टाइम अगर आए हैं तो। और अभी आगे और भी ज़्यादा मायके की ही वीडियो अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो चलिए आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। जो प्रसाद बना हुआ है खाना, उसमें बना हुआ है मटर पनीर, मिक्स वेज, रायता, पूरी, कचौड़ी, और भंडारे में हमारे यहाँ बूंदी जो होती है वो मस्ट होती है, ज़रूरी होती है बूंदी। तो मीठी बूंदी बनी हुई है, उसके साथ बने हुए हैं रसगुल्ले, सैलेड, पापड़, यही सब जो होता है वो सारा प्रसाद। और प्रसाद कोई भी हो ना, उसमें प्रसाद अगर भोग लग जाता है तो इतना टेस्टी हो जाता है। तो ये वैसे ये खाना भी था इतना ज़्यादा, ये प्रसाद इतना टेस्टी था कि काश मैं आप लोगों को खिला पाती। सारा बताओ हाथ से। नमस्ते नमस्ते। आशीर्वाद दिया करो, सर में हाथ रखो। Thank you.
तुम लोग नहीं दी चाबी, चाबी डालो मुझे बना लो घर कमरे की। बोलिए रहो अभी। फोटो भी आ गई। दो कन्या रह गई, पैसे बच गए मेरे पास। दो कन्याएं आ जा, पता चलेगा। तो कन्याओं के खाने के बाद बारी आती है घर के बेटी, दामाद, भांजे, जो सब लोग होते हैं ना उन सब की बारी आती, मान भांजों की स्पेशली जो बोला जाता है, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो। तो कन्याओं के बाद यहाँ पर मैं बैठी हूँ, ये बुआ की मेरी बेटी हैं, दीदी हैं, जिया जी हैं, भैया लोग बैठे हैं, बुआ के बेटे और ये दोनों भाई, जिया जी बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, तो सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। भैया लोग सब खाना खिला रहे हैं और इतना अच्छा लगता है ना, कोई भी भोग प्रसाद का खाना हो इतना टेस्टी बन जाता है और वो इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊं। तो बस यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं, हम सब लोग भी जो प्रसाद है वो ग्रहण करेंगे। महिमा यहाँ पर क्लिप जो थी वो ले रही थी और बूंदी वगैरह भी ना, सारा जो भी प्रसाद था बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना हुआ था। रसगुल्ला तो आज ही, अभी भी दो रसगुल्ले रखे हैं, एक रखा है एक, तो बस मैं देख कर मेरा भी मन हो रहा है कि मैं अभी रसगुल्ला खा लूँ, बट अब नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं ना एडिटिंग रात में कर रही हूँ, 11 बजा है रात का, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बस एडिटिंग करूँगी और हो सकेगा तो कल ये वीडियो आप लोगों तक पहुँच भी जाएगा। आप भी जा रहे हो क्या इतनी जल्दी? और गर्मी का चाहिए। तो अब सबके जाने का नंबर आ गया था, जो भी गेस्ट जो बाहर से, जैसे दीदी लोग, ये जिया जी हैं हमारे, दिव्यापुर में रहते हैं और दिव्यापुर में इनका डिग्री कॉलेज है, तो ये हमारे बुआ, बड़ी बुआ के बड़े दामाद हैं, हमारे घर के सबसे बड़े दामाद। और पता है ना, जब जिया जी की शादी हुई थी दीदी की, तब मैं बहुत छोटी थी तो जिया जी की गोदी में बैठकर खेला करती थी, तो जिया जी आज भी मुझसे हंसी मजाक कर लेते हैं कि चारू जब छोटी थी तो मेरी गोदी में खेला करती थी। और इधर ये आकर्षित कोई फ्लावर लिया था, मुझे लगा ये आर्टिफिशियल, बट मैंने पास से देखा तो ये ओरिजिनल फ्लावर था और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो धीरे धीरे करके जो भी गेस्ट आ रहे हैं सुबह से, भैया लोग तो ये सब बुआ का, जो बुआ बड़ी बुआ की फैमिली जा रही है क्योंकि इनको इटावा जाना है, अभी शायद 4 बजा था और सब, ये बड़ी बुआ के मेरे बड़े बेटे भाभी भैया भाभी हैं, तो इन लोगों को जाना था, टाइम से निकलना था क्योंकि टाइम से फिर पहुंचना भी था। तो यहाँ पर सभी लोग जा रहे हैं, अभी बहुत से गेस्ट बचे हुए हैं, अभी अंदर हैं, तो उसके बाद बारी आती घर के लोगों के खाना खाने की। तो यहाँ पर मेरी चाची लोग, ये शुभम, दीक्षा, उत्कर्ष, ये सब लोग सब खाना खा रहे थे, बाकी जो बाहर के लोग थे और जो आते जा रहे थे वो लोग, जिसे लोकल के लोग भी थे, लोकल के लोग जो हैं वो सारे ही लोग शाम को आएंगे। तो ज़्यादा तो मेरी वीडियो मैंने नहीं बनाया था शाम को, मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था यहीं से ही, क्योंकि उसके बाद फिर मैं घर भी चली गई थी शाम हो, वही आई थिंक मैं 7:30 बजे फिर मैं घर चली गई थी। तो यहाँ पर बुआ लोग भी खाना खा रही हैं, ताई जी हैं, चाची लोग बैठी हैं, भाभी भी खड़ी थी और दीक्षा सुबह, हम लोग सब खाना खा रहे थे। और ये भी मेरी दो भाभियाँ हैं, ये मेरे ताऊ जी की बहुएं हैं और बहुत ही ज़्यादा लगाव है। अभी मैं जब दोबारा जब घर जाऊंगी तो वहाँ रुकूंगी, फिर मैं स्पेशली भाभी के घर जाऊंगी, तब आप लोगों को स्पेशली दोनों भाभियों से मिलाऊंगी, भैया लोगों से, बच्चों सबसे मिलाऊंगी।
तो आज का जो वीडियो था यहीं तक था। इसके बाद फिर मैं घर चली गई थी थोड़ी देर भाभी लोगों के पास बैठ के, भाभी लोग अपने घर निकल गई थी, फिर मैं अपने घर निकल गई थी, पास में ही घर था तो फिर मैं चली गई थी घर। और अभी कल का भी वीडियो बहुत ही अच्छा आने वाला है। त्रिशु नो 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 त्रिशु नो 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 त्रिशु नो 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 त्रिशु नो 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 त्रिशु त्रिशु नो 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 त्रिशु नो 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 त्रिशु नो 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 बाबा को देख रही है बाबा।